हमारी खबरों के साथ बने रहने के लिए IC24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है। अफगानिस्तान पर तालिबान के प्रहार के साथ ही राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता और आम लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। अफगानिस्तान से ही अपना सब कुछ छोड़ दूसरे देश में शरण लेने वाले नेताओं में से कभी अफगानिस्तान के संचार मंत्रालय की कमान संभालने वाले सैयद अहमद शाह सादत का नाम भी शामिल है। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री अब जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सैयद अहमद शाह सादत की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो पिज्जा कंपनी की यूनिफॉर्म पहनकर डिलीवरी करते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में संचार मंत्री के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण पद संभाल चुके सैयद का यूं पिज्जा डिलीवरी करना सभी के लिए चौंकाने वाला है। दरअसल एक जर्मन पत्रकार ने अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। पत्रकार ने पूर्व मंत्री से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के हाल और अपने बारे में बताया। सैयद अहमद शाह सादत पिछले साल के आखिर में अपने पद से इस्तीफा देकर जर्मनी चले गए थे। मुल्क छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय अच्छे से बिताया, लेकिन जब पैसा खत्म होने लगा तो उन्हें जीवन यापन के लिए पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ा। एक स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मंत्री जर्मनी के लिप्जिंग में एक पिज्जा कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। सैयद ने अपना देश छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की टीम और उनकी मांगों से सहमत नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और सब कुछ छोड़कर वो जर्मनी चले आए थे। सैयद अहमद ने बताया कि उनके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संचार और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 2 मास्टर डिग्री हैं। इसके अलावा उन्होंने 13 देशों की 20 से अधिक कंपनियों के साथ कम्युनिकेशन की फील्ड में भी काम किया है। सैयद अहमद शाह ने कहा कि उनके पास कम्युनिकेशन फील्ड में 23 साल का अनुभव है। वो संचार के मामले में अपने मुल्क की मदद करने के लिए अफगानिस्तान गए थे, लेकिन राष्ट्रपति की टीम के साथ काम करना संभव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो इस्तीफा देकर जर्मनी चले आए। सैयद अहमद 2018 में अफगान सरकार में संचार मंत्री बने और 2020 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने 2005 से 2013 तक संचार मंत्री के मुख्य तकनीकी सलाहकार सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया था। इसके अलावा उन्होंने 2016 से 2017 तक लंदन में एरियाना टेलीकॉम के CEO की जिम्मेदारी भी संभाली थी। लेकिन अब अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री पिज्जा डिलीवरी बॉय बन अपना गुजारा कर रहे हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर जमा हजारों लोगों की भीड़ में अफगानिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद जई भी मौजूद रहे, जिन्हें एयरपोर्ट के बाहर आम लोगों की तरह एक लाइन में खड़े हुए देखा गया। वो पिछले ही महीने 27 तारीख को 3 दिन के दौरे पर भारत आने वाले थे, लेकिन अब उनकी हालत ये हो गई है कि वो तालिबान से अपनी जान बचाने के लिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर लाइन में खड़े दिखे। जनरल वली मोहम्मद को इसी साल जून के महीने में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सेना प्रमुख बनाया था, लेकिन 2 महीने बाद ही 11 अगस्त को उन्हें इस पद से हटा दिया गया। जिस सेना प्रमुख को तालिबान से लड़ना था, वही सेना प्रमुख अब हथियार डालकर अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते हैं। इससे ये सीख मिलती है कि किसी भी देश की सेना या उसका सेना प्रमुख तब तक ही शक्तिशाली रहता है जब तक उस देश का वजूद है। कट्टरपंथियों का शासन एक देश के सेना प्रमुख को भी अपना देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर सकता है। ये खबर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनरल वली मोहम्मद को अब अमेरिका से उम्मीद है कि वो उसे रेस्क्यू कर अपने देश ले जाएगा, जहां वो अपनी नई जिंदगी फिर से शुरू कर सकेंगे।